नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्नियति प्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधा सुरसौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवतीयदनुभावादेडमोकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्वादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंदे गुरु परंपरा श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। परसों सूर्य ग्रहण है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार मैं कहना चाहता हूँ। मेरे संपर्क में आने वाले कन्नड़ भाषा के भी बहुत लोग हैं, मराठी भाषा के भी हैं और हिंदी भाषा के भी हैं, और आप सभी टीवी देखते हैं, कभी कभी सिनेमा भी जाते होंगे, इसलिए सबको हिंदी समझ में आती है। समझ करके ऐसे अभिप्राय में रख करके इस ग्रहण के बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण कंकणाकृति कंकणाकार सूर्य ग्रहण है, अर्थात सूर्य के चारों ओर काला एक कंकण के जैसे, कंकण अर्थात हाथ में जो बांगड़ी घालते हैं या चूड़ियाँ डालते हैं, उस तरह सूर्य के चारों ओर काला एक राउंड आ जाता है, उसको कंकण बोलते हैं। इस तरह परिपूर्ण कंकणाकार सूर्य ग्रहण 1748 में आया था और परसों है, और उसके बाद 2064 साल में भी यह ऐसा ग्रहण आने वाला है। अर्ध कंकणाकृति सामान्य कंकणाकृति ऐसे बीच में 40-50 साल के या कभी कभी 10-12 साल के अंतर से भी आते रहते हैं। परसों गुरुवार है, मूला नक्षत्र धनु राशि में केतुग्रस्त सूर्य ग्रहण है और इस संदर्भ में ग्रहण के दिन धनु राशि में 6 ग्रह एक ही जगह पर एकत्र हुए हैं, इसे बोलते हैं षट ग्रह योग। जैसे 1960 में 60-61 में अष्टग्रह योग था, उस तरह यह योग भी देश के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना लाभकारक नहीं है। सर्वसामान्यतः अनेक तरह के प्राकृतिक और वैयक्तिक पीड़ाएं प्राप्त हो सकते हैं। धनु राशि में रवि चंद्र बुध शनि केतु और गुरु 6 ग्रह एक ही जगह पर आए हुए हैं। उसके साथ अभी गुरु का अस्त भी चल रहा है, जो शनि और केतु के फल को और भी ज्यादा बढ़ाता है।
गुरु अस्तंगत न होता तो यह उनकी शक्ति कम हो जाती थी। और यह ग्रह जो है इस तरह के ग्रहण के संदर्भ में कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि, ये चार राशियों के लिए यह शुभदायक है। मेष, मिथुन, सिंह और एक सेकेंड बताता हूं, मेष, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि के लिए यह मध्यम फलदायक है। वृषभ, धनु, कन्या और मकर राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ है, अमंगल है। विशेष रूप से धनु राशि में जिनका नक्षत्र मूला नक्षत्र है उनके लिए यह बहुत पीड़ाकारक है, इसलिए उन्हें विशेष आराधना इत्यादि करना बहुत जरूरी है। और ग्रहण लगते ही सबको स्नान करना चाहिए। स्नान करके अपने इष्ट देवता के जो भी गुरु लोगों से मंत्र लिया हुआ है उन मंत्र का जप करो, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करो, पारायण करो, नृसिंह स्तोत्र का पारायण करो और नवग्रह स्तोत्र का पारायण करो। और इतना ही नहीं, ग्रहण काल में ग्रहों की प्रार्थना उत्तरादि मठ के पंचांग में 9वें पेज पर वह प्रार्थना दी गई है, सर्वसामान्यतः 8-10 श्लोकों में। सभी उस स्तोत्र को अवश्य पढ़े। और इसके साथ उत्तरायमत पंचांग के 58th पेज में नवग्रह स्तोत्र भी दिया गया है, उसे भी आप लोग दो बार अवश्य पढ़ें। और जो गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, इसका जप करते रहे। शास्त्रों में कहा गया है ग्रहण के पहले घंटे में, अभी 3 घंटे का ग्रहण है, इस 3 घंटों में सुबह 8 बजे करके 5 मिनट पर यह ग्रहण का स्पर्श है। और मोक्ष 11:03 पर है। ये 3 घंटा यह हमारे लिए अत्यंत पूर्व पुण्य पर्व काल है। शुरू में भगवान की पूजा, निर्माल्य विसर्जन आदि करना चाहिए और उसे पोछ करके रखना चाहिए। बीच में पारायण आदि करना चाहिए और तीसरे तास में पितृतर्पण और दान संकल्प इत्यादि करना चाहिए। इस तरह करने से यह पीड़ा बहुत कम हो जाती है और भगवान के अनुग्रह से सब कुछ अनुकूलता हो जाती है। भगवान के अनुग्रह से हमारे जो भी ग्रह पीड़ा है, ग्रहण पीड़ा है, वह चली जाती है। ग्रहण के समय हर एक व्यक्ति, सभी वर्ण के व्यक्ति सूतक
के जो अशुद्धि है, अशौच है, वह होता है। इसलिए ग्रहण के स्नान, ग्रहण लगते ही किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे फिर धो करके, ग्रहण छोड़ने के बाद स्नान करके फिर उसे धो करके रखना पड़ेगा, कपड़ा हो, कुछ हो इत्यादि। और ग्रहण में बनाए हुआ सभी पके हुए सभी पदार्थ को ग्रहण से पहले उसे तो गाय आदि प्राणियों को डाल देना चाहिए, ग्रहण में पके हुए वस्तुओं को कभी भी नहीं खाना चाहिए। ग्रहण में मूत्र विसर्जन और मल विसर्जन और सोना, यह भी संपूर्ण तरह से, संपूर्ण रीति से निषिद्ध है। जो गर्भिणी है वे ग्रहण के एक घंटे से पहले से ही सूर्य के किरणों से दूर रहना चाहिए, अपने रूम के खिड़कियों को बंद करके रखना चाहिए, ग्रहण लगते ही स्नान करना और बैठ करके भगवान के स्तोत्रों को पढ़ते रहना चाहिए। किसी भी हालत में सूर्य ग्रहण को देखना गर्भिणी स्त्रियों के लिए योग्य नहीं। और ग्रहण के दिन पहले दिन के शाम के बाद और दूसरे दिन पूरा दिन उनको न तो भाजी इत्यादि को काटना है या कूटना भी नहीं है, सीना भी नहीं है, और दूसरा कोई ऐसे तलना इत्यादि काम उनके लिए निषिद्ध है। और सूर्य का किरण उन पर न पड़े इस तरह तीन घंटे तक खिड़की बंद, दरवाजे बंद कमरे में बैठ करके, लाइट लगा सकते हैं, बैठ करके भगवान की पूजा पारायण आदि कर सकते हैं। विशेष रूप से मूला, मघा, अश्विनी, ज्येष्ठा और पूर्वाषाढ़ा, ये पांच नक्षत्रों पर इसका प्रभाव ज़्यादा है, उनको विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। धनु, मकर, वृश्चिक, वृषभ और कर्क राशि के लिए भी यह उतना अच्छा नहीं है। इसलिए इन राशि वालों भी भगवान के विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। और सभी व्यक्ति सफेद भोपला लेकर के और उसके ऊपर चांदी का चंद्र का बिंब रख करके और कम से कम दो या पांच मोती उसके साथ रख करके बाद में ग्रहण छोड़ने के बाद योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। और मैंने जो स्तोत्र बताया है तो उन स्तोत्रों को अवश्य पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। और अभी हर एक राशि के अनुसार जो भी मैं सूचना देता हूँ उस सूचना को अवश्य सब लोगों को सुनना आवश्यक है। मेष राशि के नौवे घर में अर्थात अदृष्ट और धर्म को सूचना करने वाले घर में ये छह ग्रहों का तो एकत्रता आ गई है, इसलिए मेष राशियों के माता का आरोग्य बिगड़ सकता है। और इसके ग्रहण के पहले के पांच दिन, बाद के पांच दिन तो किसी पर पूरा विश्वास मत रखो और गड़बड़ी में कोई निर्धार मत लीजिए। दंपतियों का सामरस्य में थोड़ी झगड़ा इत्यादि आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन और व्यापारियों के लिए भी थोड़ा यह बाधकारक है, इसके लिए इस संदर्भ में सब लोग विशेष रूप से जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। ये लोग मेष राशि के व्यक्ति रक्त चंदन अथवा
लाल चंदन जो होता है उससे थोड़ा घिस करके ग्रहण छोड़ने के बाद अपने स्नान के पानी में डाल करके स्नान किया करना चाहिए और उससे पीड़ा कम हो जाती है और लाल कपड़े का दान भी देना चाहिए। वृषभ राशि के आठवें घर में, आठवां घर आरोग्य का और मृत्यु का घर है, इन छह ग्रहों का एकत्रीकरण आया हुआ है, उनके लिए थोड़ा संदिग्ध परिस्थिति है और मेष राशि वालों को सूर्य स्तोत्र बोलना अत्यंत आवश्यक है और वृषभ राशियों में ग्रहण के दिन वाहन चालन ड्राइविंग करना परिपूर्ण रूप से निषिद्ध है। आरोग्य में कुछ आगे पीछे हो सकता है, वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नियों में थोड़ा विरस हो सकता है, आरोग्य की ओर बहुत ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। वृषभ राशि वाले दुर्गा स्तोत्र को बोलना अत्यंत आवश्यक है, दुर्गा स्तोत्र, आर्या स्तोत्र जो भी है, और स्नान के पानी में थोड़ा सा कुमकुम डाल करके बाद में स्नान कीजिए। और जैसे मैंने नवग्रह स्तोत्र और ग्रहण काल में पठनीय स्तोत्र बताया है, उन स्तोत्रों का भी पठन करें। मिथुन राशियों के लिए यह सातवें ग्रह में छह ग्रहों का संदर्भ आया हुआ है, एकत्रीकरण आया हुआ है, तो यह दाम्पत्य सुख और वैवाहिक जीवन का घर है, इसलिए वैवाहिक जीवन में कुछ विरसता आ सकती है। आपके पत्नी या पति के आरोग्य पर भी उसका परिणाम हो सकता है, मानसिक पीड़ा ज़्यादा हो सकती है और आप लोगों को विष्णु का स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अत्यंत अनिवार्य है। ग्रहण छोड़ने के बाद दो चार चम्मच शहद पानी में डाल करके आप स्नान कीजिए और जो अप्रामाणिक होते हैं उनसे संबंध दूर रखें और आपको विष्णु की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। कर्क राशि के छठवें घर में यह छह ग्रहों का सम्मेलन आया हुआ है, तो वैसे तो कर्क राशि वालों के शत्रु दूर हो जाते हैं, लेकिन कर्क राशि वाले एक दो चार दिन आहार के ओर में बहुत ध्यान देना आवश्यक है और कर्क राशि वाले सफ़ेद कपड़ा, चावल, सफ़ेद चावल, शंख, सफ़ेद गंध और दही, यज्ञोपवीत इत्यादियों का ज्ञान दान करना अत्यंत आवश्यक है। कुष्मांड दान अर्थात सफ़ेद कुमड़े का दान सबके लिए अनिवार्य है और स्नान करते समय थोड़ा सा पंचामृत दो चार चम्मच बना करके पानी में डाल करके स्नान करने से यह पीड़ा कम होती है। और सिंह राशि के और कर्क राशि वाले मृत्युंजय मंत्र को जप करना अत्यंत अनिवार्य है। सिंह राशि पांचवें घर में षट ग्रहों का एकत्रीकरण हो रहा है, तो छठवां घर जो है ये पितृ मातृ अथवा संबंधियों के संदर्भ में एक विशिष्टता का स्थान होता है, इसलिए आपके मनों में इन दिनों में बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ सकते हैं और थोड़ी समस्याएं भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ग्रहण से पहले तीन दिन, बाद में तीन दिन और ग्रहण के दिन सात दिन किसी भी हालत में गुस्से में आना वर्ज्य है।
और गुस्से से जो भी काम करते हैं आपका उल्टा ही होने वाला है। और अपने बच्चों के आरोग्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ग्रहण छूटने के बाद गाय को थोड़ा सा गुड़ खिलाइए और पानी में गंध डाल करके गंध सहित पानी से स्नान कीजिए। आदित्य हृदय अथवा सूर्य स्तोत्र का पठन अत्यंत आवश्यक है। कन्या राशि चौथे स्थान में है। चौथे स्थान में षट ग्रहों का सम्मिलन हुआ है, इसलिए कन्या राशि वाले अपनी माँ के आरोग्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। और इस महीने में वाहन की खरीदी मत करो, थोड़ा सा व्यापारियों को हानि हो सकती है। और इन कन्या राशि वालों के भी पहले तीन बाद में तीन बीच में 7 दिनों तक क्रोध पर संयम करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए काम बिगड़ने के बहुत संदर्भ आता है। और ग्रहण के बाद गाय को घास खिलाइए और जायफल को थोड़ा कूट करके या घिस करके पानी में मिश्र करके आप स्नान कीजिए। और विशेष रूप से नवग्रह स्तोत्र का पठन और विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करना अत्यंत आवश्यक है। तुला राशि, तुला राशि तीसरे स्थान में अर्थात सांसारिक स्थान में, सांसारिक स्थिरता अस्थिरता के स्थान में षट ग्रहों का एकत्रीकरण है, इसलिए आपकी शक्ति कम हो सकती है। बंधु भाई बहन इत्यादियों में विरस उत्पन्न हो सकता है, अनावश्यक नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आ सकते हैं। आप लोगों को भी 7 दिन तक क्रोध पर कंट्रोल करना अत्यंत अनिवार्य है। और ग्रहण छूटने के बाद गाय को खाना खिलाइए या घास खिलाइए और पानी में थोड़ा सा गंध डाल करके स्नान कीजिए। और शुक्र का स्तोत्र अर्थात नवग्रह स्तोत्र का पठन कीजिए अत्यंत आवश्यक है। वृश्चिक राशि द्वितीय स्थान में 6 ग्रहों की चंद्रों का मिलन हो रहा है, यह धन स्थान है, इसलिए पैसे के व्यवहार बहुत जागरूकता से करो, पैसे के बारे में कुछ हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है, मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है। उद्योग में या मित्रों में या बंधुओं में चर्चा पूरी तरह से छोड़ दीजिए, उनसे वाद विवाद पूरी तरह से छोड़ दीजिए। और विशेष रूप से हनुमत स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र, यंत्रोद्धार हनुमान स्तोत्र, वायु स्तुति, सुंदरकांड इत्यादियों का पारायण अनिवार्य रूप से करें और लाल चंदन मिश्रित पानी से आप स्नान करें। धनु राशि के अपने ही घर में अर्थात संपूर्ण शरीर के संदर्भ में रहने वाला जो लग्न स्थान है उसमें 6 ग्रहों का मिलन हो रहा है, शारीरिक आरोग्य पर बहुत ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, एक्स्पेशली अपने आंत और किडनी तथा लिवर के संदर्भ में का तो जो भी आपको पूर्व दृष्टि से तो पीड़ा हो तो दवा लेकर के अच्छी तरह से रखना चाहिए, नहीं तो इनके आरोग्य के लिए आपको खट्टा पदार्थ पूरी तरह से 2 दिन के लिए छोड़ना है। और भगवान के सामने 2 घी का दिया जलाइए और आपके राशि का स्वामी है विष्णु और इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और
घर में जो भी बड़े हैं उन्हें नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लीजिए, और ग्रहण छूटने के बाद पानी में थोड़ा सा हलद डाल करके स्नान कीजिए। मकर राशि के 12वें घर में व्यय स्थान में यह 6 ग्रहों का मिलन हो रहा है, अनावश्यक पैसों का खर्च होने का संदर्भ बहुत है, इसलिए सोच समझ करके पैसा का व्यवहार कीजिए। दंपतियों में थोड़ा सा कलह उत्पन्न हो सकता है और अपने काम, मेरे ख्याल से जो आपने मन में सोचा है वह काम पूर्ण हो सकता है। और आरोग्य की दृष्टि से यह उनके लिए आप योग्य नहीं है, इसलिए नवग्रह स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम और हनुमान स्तोत्र पढ़ना अत्यंत आप लोगों के लिए अत्यंत अनिवार्यता है। ग्रहण छूटने के बाद काला कंबल या कामला ब्लैंकेट का दान कीजिए और पानी में थोड़ा सा तिल डाल करके स्नान करिए। कुंभ राशि के 11वें स्थान लाभ स्थान में षट ग्रहों का यह संदर्भ आ रहा है, मिलन हो रहा है। आर्थिक स्थिति से दृष्टि से कुंभ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगे, लेकिन अपने पुत्रों से संबंध बिगड़ सकता है। और इतना ही नहीं, अधर्म के पाप के काम हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहिए। तो आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पठन, नवग्रह स्तोत्र का पठन अत्यंत आवश्यक है, और स्नान करते समय घर में गंगा का पानी हो तो या तीर्थ हो तो थोड़ा पानी में डाल करके स्नान कीजिए। मीन राशियों के 10वें घर पर कर्मस्थान पर 6 ग्रहों का योग आ रहा है, तो आप एक पूरे 15 दिन या एक हफ्ता अपने ऊपर के अधिकारियों से कभी भी आप वाचावाची मत कीजिए, चर्चा मत कीजिए, अथवा उनसे अनावश्यक उनके साथ तर्क इत्यादि चर्चा मत कीजिए, क्योंकि अधिकारियों का अवकृपा आप पर हो सकता है और किसी का ट्रांसफर का संदर्भ हो तो ट्रांसफर भी हो सकता है। तो आप लोग विशेष रूप से गुरु ग्रह का जाप तथा नवग्रह स्तोत्र का जाप, विष्णु सहस्रनाम का पारायण करना अत्यंत आवश्यक है। और ग्रहण छूटने के बाद चना और गुड़ का दान आप अवश्य दीजिए, पानी में थोड़ा सा गंध डाल करके स्नान कीजिए और गाय को खाना खिलाइए। इससे तो सभी ग्रहों वालों के हर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, और इस तरह भगवान की प्रार्थना, हर एक को नवग्रह स्तोत्र। मैं फिर एक बार बताता हूँ, जो स्तोत्र उत्तरार्धमंड के पंचांग में, इस साल के पंचांग में 58th पेज में दिया गया है, और उसके बाद ग्रहण काल में जिन स्तोत्रों का पठन करना चाहिए वह भी 9th पेज में बीच में दिया गया है, ग्रहण काले पठनीय श्लोका, तो उसे भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और सुंदरकांड आता है तो कीजिए, नहीं तो आर्यास्तव, दुर्गा सोलादि इत्यादियों का पठन करते रहें सभी व्यक्ति। और जिन व्यक्तियों के लिए अशुभ मैंने बताया है तो वे 4 कर्क, अशुभ वृषभ कन्या धनु मकर और कर्क ए राशि वाले ग्रहण को मत देखिए, उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो सकती है। और हमारे यहाँ एक श्लोक है, सकल ग्रह बल नीने सरस जाक्षा, भगवान सभी ग्रहों का आप ही प्रेरक हैं,
किम कुर्वन्ति गृहस्थ सर्वे प्रसन्ने श्री निकेतने। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए, भगवान का अनुग्रह पर है, सभी ग्रह आपके लिए मंगल हो जाएंगे, किसी को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना ही है, पर्व काल है, जितना हो सके भगवान की प्रार्थना कीजिए, पुण्य कमाइए, कष्टों से दूर हो जाइए। यह एक सामान्य परिचय आप लोगों को दिया गया है। सूर्य ग्रहण होने के कारण तो सूर्यास्त के बाद ही पहले दिन 25वीं तारीख को अर्थात कल सूर्यास्त के बाद मत खाइए। बच्चों के लिए जो 14 साल के कम हैं और बूढ़े हैं, रोगी हैं, गर्भिणी हैं, उनको रात को 9:30 तक उनको खाने के लिए अनुमति है, उसके बाद खाना मत खाइए। ग्रहण छूटने के बाद स्नान करके ही रसोई आदि बना करके आप खा सकते हैं। इतना एक सामान्य सूचना है और इस पर अमल किए तो भगवान का अनुग्रह आप पर होगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।